हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। आज का इस वीडियो में मैं बैटरी स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, जो स्टॉक आज के डेट में बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन यही स्टॉक जिसका बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगा, 2-3 साल के अंदर एक अच्छा रिटर्न आपको देगा। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज का स्टॉक के बारे में। फ्रेंड, इस स्टॉक का नाम है एक्साइट इंडस्ट्री। एक्साइट इंडस्ट्री जो है एक बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी है। बैटरी मैन्युफैक्चर के अलावा ये इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, ये भी जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो कंपनी जो है बहुत पुराना है, ये बैटरी मैन्युफैक्चर करता है। बहुत सारा इंडस्ट्री में जो है इसका बैटरी सेल हो रहा है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इसका प्रोडक्ट जो है सेल हो रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए किस तरह की इंडस्ट्री है, देखिए यहाँ पर जैसे ऑटोमोटिव बैटरीज, ओके, साथ ही साथ जो है यहाँ पर जेनसेट बैटरीज, सबमरीन बैटरीज, ई रिक्शा व्हीकल्स बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, सोलर सिस्टम का जो बैटरी होता है ये बैटरी है, और इंडस्ट्रियल बैटरी ये मैन्युफैक्चर करता है। तो कंपनी जो है एक दो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड सेल कर रहा है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल का, तो यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल ब्रांड है इसका, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑटोमोटिव का ब्रांड है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल ब्रांड भी है। तो कंपनी का एक एक्साइट ब्रांड तो है, इसके अलावा इसका और भी ब्रांड है जो इंटरनेशनल मार्केट में जाना जाता है इस नाम से, ओके। अब बात करते हैं इसका कुछ की पॉइंट का। फिर ये जो कंपनी है एक्साइट इंडस्ट्री लिमिटेड, ये बेसिकली बैटरी मैन्युफैक्चर करता है, स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, और इसका जो स्टोरेज बैटरी है यहाँ से ये 74% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। जितना भी इसका स्टोरेज बैटरीज है ज़्यादातर ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और कुछ मात्रा में जो है सबमरीन सेक्टर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका अदर्स इंडस्ट्री का, जहाँ पर ये बैटरी अपना सप्लाई कर रहा है, वो है पावर, सोलर, रेलवे, टेलीकॉम एंड UPS सेक्टर। तो इस तरह का सेक्टर से जो है ये 26% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और सबमरीन में सिर्फ 1% का। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क ही है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग है, 150+ वेयरहाउस है इसका, और 55,000 से भी ज़्यादा इसके पास डायरेक्ट एंड नॉट डायरेक्ट डीलरशिप है, जो एक बहुत बड़ा साइन है कंपनी का। इसका कस्टमर बेस भी स्ट्रांग है, 4-व्हीलर, 3-व्हीलर, 2-व्हीलर इसका कस्टमर है ऑटोमोटिव कंपनी में, जिसमें से कुछ कंपनी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इमर्सन, एरिसन, हिताची, सिप्ला, जनरल इलेक्ट्रिक्स, मित्सुबिशी, गोदरेज, BSNL, फिनोलेक्स, BHEL, टाटा, NTPC, इंडस टावर एंड अदर। तो इसका जो है कस्टमर बेस्ड है, ठीक है। फिर अगर इसका रेवेन्यू का बात करें, तो इंस्टीट्यूशनल से जो है 30% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, नॉन इंस्टीट्यूशन जो है 17% का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और बात किया जाए ज्योग्राफिकली का, तो डोमेस्टिक में 93% का इसका जो है मार्केट है, एंड एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर 7% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर ग्लोबली फुटप्रिंट का बात करें, तो ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट के मामले में 50+ कंट्री के साथ जो है जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही बड़ा साइन है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ कुछ कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी सर्विस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ एक कोलैबोरेशन करके रखा है, जापानीज टेक्नोलॉजी इसके साथ है, अमेरिकन बैटरीज है, ईस्ट पेंट USA, मुरा, इस तरह का जो कंपनीज है इसके साथ ये कोलैबोरेट करके रखा है, ओके। मैन्युफैक्चर कैपेसिटीज का बात करें, व मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटीज का बात करें, तो यहाँ पर जो है 9 प्लांट है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये इंडिया में है, ओके। और यहाँ पर जो है 57 मिलियन यूनिट ऑटोमोबाइल्स पावर एंड 5 बिलियन, इस बात को थोड़ा सा नोट करिए, 5 बिलियन का बात किया है इंडस्ट्रियल पावर जो है ये यूज कर रहा है इस प्लांट में, ओके। अगर बात किया जाए प्लांट लोकेट कहाँ है, तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए इस कंपनी का, तो फ्रेंड ये कंपनी लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आप होल्ड करते हैं, लॉन्ग टाइम अगर विजन लेके चलते हैं, तो एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। और इस कंपनी का जो सब्सिडरीज कंपनी है उसका नाम है एक्साइट रिलायंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड,
जो जैसे कि यहाँ पर मैं बताया था 2018 में जो कंपनी अपना सेटअप किया है, इसका ही सब्सिडरीज कंपनी है। ओके, इसके अलावा इसमें जो है लाइफ इंश्योरेंस का भी आपको जो है फंडा देखने को मिलता है। तो ये था कुछ की पॉइंट जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल का। फ्रेंड, फंडामेंटल में इसका जो मार्केट कैप है 16,112 का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 119 है। अगर एक साल का हाई का बात किया जाए तो एक साल में जो है 194 तक हाई दिया है, लो जो है 113 तक देखने को मिला है। स्टॉक पीए जो है 20.6 है, बुक वैल्यू 129 है। कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है 1.05% का। आरओसी आरओई का जो फिगर है पॉजिटिव है, फेस वैल्यू 1 है। कंपनी के ऊपर डेट है कितना 525, लेकिन इसके पास जो रिजर्व है 10,877 का रिजर्व है। तो ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। डेट टू प्रॉफिट जो है 0.12 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 85 है। देखिए ये 3 ईयर में जो है इसमें लेकिन कोई अच्छा फिगर नहीं मिला है रिटर्न का, बट 6 मंथ में 25.7% का रिटर्न दिया है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर में 241, प्रॉफिट जो ग्रोथ इसका देखने को मिला है 5.66 एंड सेल ग्रोथ जो है 23.8 है। इसका अर्निंग पर शेयर जो है 53.9 है। वॉल्यूम का बात करें तो इसके पास जो है जबरदस्त वॉल्यूम है, जैसे कि देख पा रहे हैं 6,79,000 के ऊपर वॉल्यूम है। करंट लाइबिलिटी 3,275 है एंड करंट एसेट जो है 5,714 है। तो लाइबिलिटी से ज्यादा इसके पास एसेट है, टोटल एसेट 14,776 है एंड इसका जो पियोरोस्की स्कोर है वो 7 है। तो 9 में से 7 पियोरोस्की स्कोर है। तो फ्रेंड देखिए, ये कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, लॉन्ग टाइम अगर आप विजन लेके चलते तो इस तरह का कंपनी आपको 110% चांसेस है बेनिफिट दे सकता है। अब देखिए इसका अगर मैक्स का बात किया जाए तो ये कंपनी अपना जर्नी स्टार्ट किया था यहाँ पर, जैसे कि देख पा रहे 2003 में 4.33 रुपीज में अपना जर्नी स्टार्ट किया था। फिर जो है धीरे धीरे ये देखिए अप होते गया। एक मजेदार चीज है, ये हाई ज्यादातर दिया है, जैसे कि देख पा रहे ज्यादातर इसमें प्राइस अप हुआ है। ओके, डाउन का चांसेस बहुत ही कम देखने को मिला है इस कंपनी में। फिर अगर इसका फोर्टकास्ट का बात किया जाए तो फोर्टकास्ट में यहाँ पर क्या कह रहा है, 75% का यहाँ पर जो है रिकमेंड कर रहा है बाय के लिए। फाइनेंस का अगर बात किया जाए इस कंपनी का, तो फाइनेंस के मामले में जो इसका इनकम स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है। 2020 में 14,532 का फिगर लाया था, 2021 में 10,000 लाया है। तो यहाँ पर जो है डिक्रीज देखने को मिला है एक साल के अंदर, लेकिन 21 के बाद 22 में 16,000 का ऊपर यहाँ पर रेवेन्यू ये जनरेट किया है, जो एक गुड साइन है। अगर नेट इनकम का बात करें तो 2020 में 776 का फिगर था, 2021 में 809 का था, लेकिन 2022 में 4,366 का फिगर ला के दिया है, जो बहुत बड़ा एक साइन है कंपनी का। ओके, इसके अलावा अगर बात करें कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो के मामले में लेकिन ये कंपनी देखिए पॉजिटिव दिया था 2019 में, 2020 में नेगेटिव आया है, 2021 में पॉजिटिव आया है एंड 2022 में फिर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। फ्रेंड, इसका अगर होल्डिंग का बात करें यानी कि शेयर होल्डिंग का, तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है, प्रमोटर के पास है। जैसे कि देख पा रहे 45.99% का शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड जो है 7.87 है। अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर 9.95, फॉरेन इन्वेस्टर 10.48 एंड यहाँ पर जो पब्लिक है, पब्लिक के पास 25.70 फिगर है। तो सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर के पास है। अगर बात करें इसका परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस जो इसका लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ जो है एवरेज है, प्रॉफिट हाई है, एंट्री पॉइंट जो है एवरेज है एंड इसके ऊपर कोई भी रेड जोन या फिर रेड सर्विलेंस नहीं है। एंड इसका अगर डिविडेंड का बात करें, एक कंपनी जैसे कि मैंने कहा था डिविडेंड दे रहा है, और देखिए ये कंपनी 2019 में भी डिविडेंड दिया है, 2019 में ये कंपनी देखिए 2 बार डिविडेंड दिया है। इसके अलावा अगर बात करें 20 में, तो 20 में भी डिविडेंड दिया है, 21 में भी दिया है, 22 में भी दिया है। तो एक अच्छा लेकिन कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला कंपनी है। तो फ्रेंड ये था एक्साइट इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह के स्टॉक को कभी भी मिस मत करें, और लॉन्ग टाइम के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। तो फ्रेंड आज का वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।